हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका असम हिस्ट्री मैराथन क्लास 5 लेने वाले हैं। उससे पहले हमारा 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पूरा सीरीज़ देख सकते हैं। जैसे हमने सोशल स्टडी का भी मैराथन क्लास पूरा 10 लेक्चर का था, हमने पूरा कवर अप करवा लिया। इसका भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है तो आप सोशल स्टडी का भी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारा एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप हमारा वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए सर, हम आज का आपका असम हिस्ट्री मैराथन क्लास 5 लेने वाले हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक पेज में एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आप टू 50 तक आप नंबरिंग करके रख लीजिए। फिर उसके बाद फिर हम आपको जब क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे और हम आपको आंसर देने के बाद आप अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, जिनका आज ये फर्स्ट लेक्चर है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और यू नो, हम लोग बहुत यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं रखेंगे तो आपको अगला नोटिफिकेशन वगैरह मतलब आएगा नहीं, और हम भूल ही जाते हैं कि कौन सा वीडियो कौन सा ट्यूटोरियल में हम देखे थे। तो चलिए चलिए सर, हम शुरू करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु नेम्ड हिज स्मॉल किंगडम इन ब्रह्मपुत्र वैली मुंगदंग सुंगखम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये असम पुलिस 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। सब इंस्पेक्टर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला सीरीज से आपका जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है वो आपको सारा कवर हो जाएगा। हु नेम्ड हिज स्मॉल किंगडम इन ब्रह्मपुत्र वैली मुंगदंग सुंगखम। बोलिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत आसान है, आप सबको पता होगा। राइट आंसर है सर आपका सुकाफा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। बाई वाट नेम आर द ओहम क्रॉनिकल्स नोन। वेरी ईजी क्वेश्चन, आपको पता होगा ओहम क्रॉनिकल्स को कौन से नाम से जाना जाता था सर, बोलिए। राइट आंसर होगा आपका बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। हु इंट्रोड्यूस्ड द बुरांजी रिटन इन आसाम। बुरांजी कौन आपका इंट्रोड्यूस किए थे, आपको बताना है सर, बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया बुरांजी के लिए कौन आएंगे आपका ओहम्स। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओहम किंग इंट्रोड्यूस्ड द बुरांजी रिटन इन आसाम। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था सर, बुरांजी कौन इंट्रोड्यूस किए थे आसाम में, बस लैंग्वेज अलग है और कुछ नहीं। यस, यू आर राइट, आंसर है आपका सुकाफा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे भाई, इन व्हिच लैंग्वेज बुरांजीज वेयर फास्ट कंपाइल्ड। बुरांजी सबसे पहले कौन से लैंग्वेज में कंपाइल किया गया था, आपको बताना है सर। ओबियसली ओहम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे सर, देखिए। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड बुरांजी। बुरांजी का मतलब क्या है सर, बोलिए। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड बुरांजी। बुरांजी का मतलब क्या होता है सर, बोलिए। राइट ऑप्शन इज योर बी, स्टोर द टीचर्स द इग्नोरेंट। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोल रहा है सर, देखिए। द बुरांजीज ऑफ द ओहम वेयर रिटन ऑन द बार्क ऑफ। द बुरांजीज ऑफ द ओहम्स वेयर रिटन ऑन द बार्क ऑफ, वो कौन सा ट्री था जिसका ट्री के मतलब छाल पे ये बुरांजीज वगैरह लिखा गया था, आपको बताना है सर, बोलिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप साथ साथ में ना सर मार्क करके भी और इन नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो लास्ट में हमारा इतना क्वेश्चन जम जाएगा ना, फिर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो वगैरह को मतलब देख रहे सही है, लेकिन साथ में शॉर्ट नोट भी बना लीजिए
हम ये वाला वीडियो का मतलब डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं है आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आपको कंटेंट वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7, द बुरंजीज ऑफ द ओहम्स वेयर रिटन ऑन द बार्क ऑफ, राइट ऑप्शन विल बी योर सांची ट्री और एप्पल ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द टाइटल यूज्ड टू एड्रेस द ओहम किंग्स, बोलिए सर, व्हाट वाज द टाइटल यूज्ड टू एड्रेस द ओहम किंग्स, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी आसानी बात, ये काफ़ी मतलब काफ़ी बार अपने नाम के पहले ये चीज़ देखा होगा। राइट आंसर इज योर डी, स्वर्गदेव, रहता था ना स्वर्गदेव, स्वर्गदेव जो बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, क्या बोल रहे भाई, द किंग्स ऑफ ओहम डायनास्टी क्लेम्ड देयर डिवाइन ओरिजिन फ्रॉम, ओहम का हमारा ओहम किंगडम चल रहा है हमारा क्वेश्चन सीरीज, तो बोल रहा है कि ओहम्स का किंग वगैरह जो थे उनका डायनास्टी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो क्या बोलते थे कि उनका डायनास्टी कहाँ से एक्सपेंशन हुआ है, बोलिए सर, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा क्योंकि वो इस चीज़ को फॉलो करते थे, इनको मानते थे। राइट आंसर विल बी योर लॉर्ड इंदिरा, बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन आपके सामने ये रहा, बोलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, द चीफ क्वीन ऑफ ओहम किंग्स इज नोन एज, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द चीफ क्वीन ऑफ ओहम किंग्स इज नोन एज, चीफ क्वीन ऑफ ओहम किंग्स का नाम है आपका बोरकुवरी, ऑप्शन विल बी योर ए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे सर, देखिए, तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे आपका, इन व्हिच ईयर सुकाफा बिल्ट द ओहम कैपिटल एट चराइदेव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा ये कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। सुकाफा ने ओहम कैपिटल चराइदेव जो बनाए थे वो कौन से ईयर पे बनाए थे आपको बताना है सर, वेरी इजी क्वेश्चन, येस यू आर राइट, आंसर है आपका 1253। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे भाई, विच वन वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द ओहम किंगडम इन आसाम, विच वन वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द ओहम किंगडम इन आसाम, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, आपको पता होगा, राइट आंसर इज योर चराइदेव। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे, हु वॉज द किंग ऑफ मोरांस व्हेन सुकाफा केम टू आसाम, हु वॉज द किंग ऑफ मोरांस व्हेन सुकाफा केम टू आसाम, बोलिए सर, जब आपका सुकाफा आसाम में आए थे तो उस टाइम पे मोरांस का किंग कौन थे, आपको बताना है। यस यू आर राइट, आंसर होगा सर आपका बदाउसा, बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे सर, देखिए, द पोजिशंस बोरगोहाइन एंड बोरगोहाइन एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ व्हिच किंग, ये बोरगोहाइन और आपका बोरगोहाइन ये जो पोस्ट है ये किन मतलब किंग के टाइम से ये चीज़ स्टार्ट हुआ था, बोलिए सर, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर इज योर सुकाफा, ये आपका सुकाफा के टाइम से आपका ये वाला बुरागोहाइन एंड बोरगोहाइन ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे, इन विच ईयर डिड सुकाफा डाई, कौन से ईयर पे सुकाफा का डेथ हो गया था, बोलिए सर, यस यू आर राइट, आंसर होगा आपका 1253 में वो उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट मतलब बनाया था चराइदेव पे, फिर उसके बाद एक साथ हम डिस्कस कर लेते, और उसका 15 साल बाद 15 साल के बाद फिर उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, अकॉर्डिंग टू ओहम ट्रेडिशन सुकाफा वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द गॉड, सुकाफा किन को फॉलो करते थे, बोलिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका,
राइट आंसर विल बी योर कुंगलुंग। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हम आ गए। 17 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए, द ओहम्स डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू द रूलर्स एंड द रूल्ड विद द फॉर्मल डिलाइनेशन फ्रॉम द राइन ऑफ। डिलाइनेशन मतलब होता है कि एक वहाँ पे किंग हो गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ उनका सब पार्ट हो गया, फिर सब पार्ट को और किसी पार्ट में डिवाइड करना, इसको बोलते हैं लाइनेज, इसको बोलते हैं लाइनेज। बहुत अच्छा। तो ये बोल रहा है कि ये लाइनेज जो शुरू हुआ था, ये कौन से किंग्स के टाइम से ये चीज़ स्टार्ट हुआ था, बोलिए सर। राइट ऑप्शन विल बी योर डी, राइट आंसर इज योर डी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे, हु डिलिनेटेड द सत्याग्रह ओहम, सॉरी सातगरिया ओहम्स द ओहम एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सेवन हाउसेस। हु डिलिनेटेड द सातगरिया ओहम्स द ओहम एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सेवन हाउसेस, बोलिए सर। यह सातगरिया जो अहम है, जो आपका एरिस्टोक्रेसी सेवन हाउसेस का, जो अहम किंगडम का, ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों, मतलब किन कौन से किंग्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, आपको बताना है। राइट ऑप्शन विल बी योर डी, सुबिम्फा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका एपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एपीएससी 2019 या 20 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और चार स्टेटमेंट में आपको क्या बोल रहे हैं कि इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। ऑप्शन मतलब सेंटेंस नंबर 1, सुबिम्फा द थर्ड ओहम किंग डिलिनेटेड सातगरिया ओहम द ओहम एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सेवन हाउसेस, ये चीज़ अभी हमने पढ़ा सर। ऑफ दिस द फर्स्ट लाइनेज वॉज दैट ऑफ द किंग, ऑब्वियसली हाजी अभी हमने ये चीज़ पढ़ा। फिर नेक्स्ट टू वेयर द लाइनेजेस ऑफ द बोर्गोहाइन एंड बोर्गोहाइन, अभी हमने ये चीज़ पढ़ा था, ये आपका बोर्गोहाइन और बोर्गोहाइन, ये लाइनेज जो स्टार्ट हुआ था, मतलब किंग के टाइम से, फिर किंग का सबऑर्डिनेट, फिर ये वाला स्टार्ट हुआ था। द लास्ट फोर वेयर प्रीस्टली लाइनेज, तो ये जो ख़त्म, ये जो आपका डिवीज़न ख़त्म होते होते ये कहाँ तक ख़त्म हुआ हमारा, प्रीस्ट तक। तो हमारा 3 भी सही, 4 भी सही, तो मेरे हिसाब से तो आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम जा रहे क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, ये रहा, हु वॉज द किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ ओहम अगेंस्ट ए पावरफुल किंगडम कॉल्ड कामातान। हु वॉज द किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ ओहम अगेंस्ट अ पावरफुल किंगडम कामाता, तो बोल रहे ओहम किंगडम का, ओहम किंगडम फाइट किए थे कामाता के अगेंस्ट, तो बोल रहे थे उस टाइम पे सबसे पहला किंग कौन थे ओहम किंगडम का, ये आपको बताना है सर। बहुत अच्छा, बोलिए सर क्या होगा आपका आंसर, आप हमें कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बोलते जाएंगे और फिर उसके बाद आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। राइट आंसर होगा सर आपका डी, सुकम्फा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा, हु एस्टैब्लिश्ड द पोजीशन ऑफ चारिंग राजा, वेरी इजी क्वेश्चन। हु एस्टैब्लिश्ड द पोजीशन ऑफ चारिंग राजा, राइट आंसर विल बी योर डी, सुकम्फा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है सर, देखिए, ड्यूरिंग द ओहम पीरियड इन आसाम द हेयर हीड्स अपेरेंट टू द थ्रोन वेयर अपॉइंटेड एज। हीड्स मतलब होता है कि जो सोन डॉटर वगैरह होते थे ना, तो उनको बोलते हैं हीड्स। तो ड्यूरिंग द, मतलब जैसे किंग का सोन हो गया, किंग का डॉटर वगैरह हो गया, प्रिंसेस जो भी बोलिए उनको क्या बोलेंगे, हीड्स। ड्यूरिंग द होम पीरियड इन आसाम द हीड्स अपेरेंट टू द थ्रोन वेयर अपॉइंटेड एज, तो उनका जो बच्चे होते थे, उनको बच्चे को कौन से पोजिशन में इनको अपॉइंट किया जाता है, बोलिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने डिस्कस किया
राइट आंसर होगा आपका चारिंग राजा। चारिंग राजा पोजीशन में इनको अपॉइंट किया जाता था, किंग का लड़का हो गया, किंग का लड़की हो गई, जो भी हो, नेपोटिज्म जो चीज़ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द कामाता किंगडम। कामाता किंगडम हमारा शुरू हो गया सर। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ कामाता किंगडम। कामाता किंगडम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कितना बार रिपीट हुआ हुआ किस क्वेश्चन है। कामाता किंगडम का सबसे पहला कौन रूलर थे बोलिए सर। राइट आंसर होगा आपका संध्या, और संध्या रूल किए थे आपका 1250 से लेके 1270 तक, मतलब 20 साल उन्होंने रूल किया था, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। 24 में क्या बोल रहा है सर, में आपका बोल रहा है विच किंग ऑफ द कामाता किंगडम टुक द टाइटल कामेतेश्वरी फॉर द फर्स्ट टाइम। कामेतेश्वरी जो टाइटल है आपका कामाता किंगडम का, वो सबसे पहले कौन टाइटल लिए थे बोलिए सर। अभी हमने इनके बारे में अभी डिस्कस किया था। राइट आंसर विल बी योर संध्या। संध्या ने सबसे पहले कामेतेश्वरी टाइटल लिया था कामाता किंगडम से, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। द कामाता किंगडम वॉज अटैक्ड बाई मोहम्मद बिन तुगलक ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच कामाता किंग। बोल रहे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कामाता किंगडम को अटैक किया था, तो बोल रहे क्वेश्चन में कि कौन, जब वो मोहम्मद बिन तुगलक कामाता किंगडम को अटैक किया था तो उस टाइम पे कामाता किंगडम में किंग कौन थे, आपका नाम बताना है सर बोलिए। राइट आंसर होगा सर आपका दुर्लभ नारायण। जब आपका कामाता किंगडम में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका अटैक किए थे तो उस टाइम पे किंग थे हमारा दुर्लभ नारायण, बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे सर आपका देखिए। फेमस कामरूपी पोएट हेमा सरस्वती वॉज ए कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग। फेमस कामरूपी पोएट हेमा सरस्वती, कामरूपी पोएट जो हेमा सरस्वती जो थे वो आपका कोर्ट पोएट थे, कौन से किंग का कोर्ट पोएट थे बोलिए सर। बेसिकली क्वेश्चन पूछना चाहता है कि हेमा सरस्वती मतलब पोएट कौन से किंग का पोएट थे, ये आपको बताना है बोलिए सर। इसका आंसर क्या होगा आपका 26 का बोलिए सर। यस यू आर राइट, आंसर होगा आपका डी दुर्लभ नारायण, बहुत ही अच्छा, ये वाला हो जाएगा आपका दुर्लभ नारायण। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहे हैं सर देखिए। हेमा सरस्वती एंड हरिहर विप्रा एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ। हेमा सरस्वती एंड हरिहर विप्रा ये आपका किन का मतलब लाइनेज थे आपको बताना है, ये किन का हिट्स थे ये आपको बताना है, कौन का सोन या डॉटर वगैरह हो गए आपको बताना है बोलिए सर। राइट आंसर होगा आपका दुर्लभ नारायण, बहुत ही अच्छा, ऑप्शन इज योर डी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहे हैं सर देखिए। व्हाट वाज द सिमिलैरिटी अमंग हेम सरस्वती कबीरत्न सरस्वती एंड हरिहर विप्रा। तो बोल रहा है ये तीनों जो नाम आपका दिख रहा है, आपको देख रहा होगा आपको तीनों नाम, तो बोल रहा है कि तीनों नाम में क्या सिमिलैरिटी है वो आपको बताना है सर बोलिए। तीनों नाम में क्या सिमिलैरिटी है, तो राइट आंसर विल बी योर ऑल वेयर कामरूपी पोएट्स। तीनों हमारा क्या थे सर, कामरूपी पोएट्स थे, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बोल रहा है। द वेल नोन कामरूपी पोएट ऑफ 16th सेंचुरी चंद्रहाटी लिव्ड एट। वेल नोन कामरूपी पोएट ऑफ 16th सेंचुरी चंद्रहाटी लिव्ड एट। चंद्रहाटी कहाँ पे रहते थे सर बोलिए। वेल नोन कामरूपी पोएट आपका जो चंद्रहाटी जो थे वो कहाँ पे रहते थे सर बोलिए। राइट आंसर इज योर डी, वो नॉर्थ गुवाहाटी में रहते थे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 में आ गए सर देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। सिकंदर शाह अटैक्ड द कामाता किंगडम इन द ईयर।
सिकंदर शाह कौन से ईयर पे कमाता किंगडम को अटैक किए थे सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर 1362। 1362 में सिकंदर आपका कमाता किंगडम को अटैक किए थे। फिर नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में क्या बोल रहा है, सिकंदर शाह अटैक्ड कमाता किंगडम ड्यूरिंग द राइन ऑफ कमाता किंग। सिकंदर शाह अटैक्ड कमाता किंगडम ड्यूरिंग द राइन ऑफ कमाता किंग। सिकंदर शाह ने कमाता किंगडम को अटैक किया था। तो जब आपका सिकंदर शाह आपका कमाता किंगडम को अटैक किया था तो उस टाइम पे कमाता किंगडम में कौन से किंग थे आपको बताना है सर। मैं आपको क्वेश्चन फिर से आपको समझा रहा हूँ। सिकंदर शाह ने कमाता किंगडम को अटैक किया था, तो जब कमाता किंगडम को अटैक किया था तो उस टाइम पे किंग कौन थे कमाता किंगडम का, वो आपको बताना है। बोलिए सर आपका आंसर क्या आ रहा है। यस यू आर राइट, आंसर होगा आपका ए इंदिरा नारायण। और इंदिरा नारायण हुआ था, ये रूल किए थे 1350 से लेके 1365 तक। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोल रहे सर, देखिए। जंगल बोलोहू वाज द सोन ऑफ हुच किंग। कौन से किंग का सोन थे जंगल बोलोहू। बोलिए सर 32 का आंसर क्या आ रहा है आपका। राइट आंसर होगा आपका आरिमट्टा। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या बोल रहे सर, देखिए। आफ्टर सुतुफास डेथ हु कैरीड ऑन द ओहम्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 4 ईयर्स। सुतुफा का डेथ के बाद ओहम्स का कौन एडमिनिस्ट्रेशन चलाए थे 4 साल तक, बोलिए सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान है, ये वाला हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं सर। राइट आंसर होगा आपका ए बोरगोहाइन। ये कुछ नहीं है, स्किप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। ड्यूरिंग 1376 टू 1380 AD द बोरगोहाइन एंड द बोरगोहाइन कैरीड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी, अभी हमने डिस्कस किया। हु वाज द नेक्स्ट ओहम किंग आफ्टर देम। तो इन दोनों के बाद कौन से ओहम किंगडम में कौन से किंग आए थे, आपका नाम बताना है सर, बोलिए। राइट आंसर होगा आपका तियाओ कामती। उसके बाद फिर ये आए थे। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहे सर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है, व्हाट वेयर द ब्यूरियल माउंट्स ऑफ ओहम रॉयल्टी कॉल्ड। व्हाट वेयर द ब्यूरियल माउंट्स ऑफ ओहम रॉयल्टी कॉल्ड, जहाँ पे इनको मतलब दफनाया जाता था ओहम किंगडम रॉयल्टी को, उसको क्या नाम से जाना जाता था, मतलब वो ब्यूरियल साइट का नाम क्या है सर, बोलिए। जहाँ पे दफनाया वगैरह जाता था वहाँ पे उसका नाम क्या है। राइट आंसर विल बी योर मोईदम। ये आपको पहले मिला होगा। फिर उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 36 में आ गए। 36 में क्या बोल रहे सर, देखिए। माइदम्स का मतलब ये शेप कैसा शेप होता है सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर ए पिरामिड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आ गए। 37 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। इब्ने बतूता द सेलिब्रेटेड ट्रेवलर विजिटेड आसाम इन। इब्ने बतूता आसाम में कब विजिट किए थे सर, बोलिए। इब्ने बतूता आसाम में कब ट्रेवल किए थे आपको बताना है। राइट आंसर विल बी योर 14th century। वो आपका 14th century में यहाँ पे आए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोल रहे सर, देखिए। व्हिच ओहम किंग वाज पॉपुलरली नोन एज बामुनी कनवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो, मतलब कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा मुझे भी नहीं पता। ये आसाम पुलिस में, ये
असम पुलिस में, फिर ये APDCL में, फिर ये इरिगेशन में, ये इरिगेशन में कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर एक बार देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। मतलब असम अहोम किंगडम में कौन से किंग को बामनी कन्वर नाम से जाना जाता है, और ये हमने पहले काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक याद आ गया होगा, हमने आपको कुछ बोला था, अगर शॉर्ट ट्रिक अगर याद हो रहा होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या था। मैं आपको बस इतना मैं हेल्प कर रहा हूँ, हमने आपको बोला था ये जो भी है, ये जो जिनका भी ये बामुनी कन्वर जो नाम आप देख रहे हैं, ये आपका सुख हर जगह कॉमन है, सुख हर जगह कॉमन है। और ये थर्ड वर्ड जो है वो थर्ड वर्ड हमारा, ये थर्ड डी हो गया, जे हो गया, एच हो गया, फिर एन हो गया, यही डिफरेंस क्रिएट करता है नाम में। तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बनाया था बामुनी कन्वर का, ये थर्ड वर्ड सिलेक्ट करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक याद किया था। बोलिए सर क्या था, बड़ा एक मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक बनाया था। यस, आपको याद आ गया होगा, हमने ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाया था, बामुनी कन्वर बीड़ी पीते थे, बी से बामुनी का बी लिए थे तो इससे लिया था हमने बी, और सुदंगफा से लिया था हमने डी, तो हमने ऐसे ही बनाया था बीड़ी, तो बामुनी कन्वर बीड़ी पीते थे। तो देखिए आंसर आ गया सुदंगफा, बहुत अच्छा। ये एक शॉर्ट ट्रिक था याद करने का, उम्मीद है आपको यह आ गया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आपको यह शॉर्ट ट्रिक आपने आपके लिए बेनिफिटेड, मतलब पहले अगर आपने किया तो क्या आप इसके क्या ये आपको बेनिफिटेड हुआ, ये ऑनेस्टली आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, ताकि हमें भी समझ में आए कि ये वाला शॉर्ट ट्रिक आपको काम है आ रहा है कि नहीं। आप हमें ज़रूर बोलेंगे सर, अगर आप बोलेंगे तभी ना हमें पता चलेगा, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेनिफिटेड आपके लिए हो रहा है कि नहीं। तो आप ऑनेस्टली ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए, क्या जब हम आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराते हैं तो दूसरा क्वेश्चन जब उसके बाद जब आप क्वेश्चन करने आते हो तो क्या वो शॉर्ट ट्रिक आप याद कर पाते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। आपका फीडबैक ही हमें हेल्प करेगा और इम्प्रूव करने में, तो आपका फीडबैक भी हमें टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, ये रहा वाई सुदंगफा वाज कॉल्ड बामुनी राजा, सुदंगफा को क्यों बामुनी राजा बोलते थे, सर बोलिए। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा उनको ही वॉज ब्रॉट अप इन ए ब्राह्मीण फैमिली, उनको ब्राह्मीण फैमिली में ब्रोन मतलब उनको ब्रॉट अप किया गया, इसलिए उनको बामुनी मतलब उनको बामुनी राजा बोलते थे, बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहे सर, देखिए विच ओहम किंग मेड द कैपिटल एट चारगुआ आफ्टर नियर द दिहिंग रिवर, चारगुआ मतलब कौन सा किंग चारगुआ कैपिटल बनाए थे अपना दिंग रिवर के पास, बोलिए सर। राइट आंसर होगा आपका सुदंगफा, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहे सर, देखिए द ट्रेडिशनल थाई ओहम कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग्स वाज नोन एज, कोरोनेशन मतलब जो डेथ वगैरह के बाद जो करते हैं आपका, तो वो कोरोनेशन का मतलब जो करते थे उनको क्या नाम से मतलब जाना जाता था, किंग्स वगैरह जो कोरोनेशन वगैरह होता था उनको क्या नाम से जाना जाता था, आपको बताना है सर बोलिए। राइट ऑप्शन होगा आपका डी सिंगारी गारूता। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 42 पे आ गए, 42 में क्या बोल रहे सर, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग इनिशिएटेड द सिंगारी गारूता सेरेमनी, ये सिंगारी गारूता सेरेमनी जो है ये कौन स्टार्ट किए थे, आपको बताना है सर। सिंगारी गारूता सेरेमनी जो है ये आपका कौन स्टार्ट किए थे, आपको बताना है सर। ये आपका स्टार्ट किए थे आपका सुदंगफा, ऑप्शन होगा आपका बी, आपका सुदंगफा ये चीज़ स्टार्ट किए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द सिंगारी गारूता सेरेमनी, अब ये कौन किंग थे जो इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ऑब्वियसली वेरी आसान क्वेश्चन, जो बनाए थे वही ना सबसे पहले उनको मतलब वो करेंगे
क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 44, इन सिंगरागारू द सेरेमनी ऑफ अहोम किंग्स टू पीपल वेयर एग्जाइल्ड फार फ्रॉम द कैपिटल एज इट वॉज बिलीव डेट ऑल द एविल और इल ओमेंस ऑफ द न्यू किंग्स एंड क्वींस विल लीव विद दैम सच पीपल वेयर कॉल्ड एज। मतलब सिंगरागारू द सेरेमनी में अहोम्स किंग का मतलब जो भी मतलब वो एविल्स या फिर जो बैड जो चीज़ है उस किंग के बारे में उसको हटाने के लिए उनको वो लोग क्या करते थे, दो लोगों को कैपिटल से काफ़ी दूर भगाए जाते थे। बोलते थे कि वो दो लोग चले गए तो इसका मतलब वो किंग का जो भी एविल्स वगैरह या फिर जो भी मतलब उनका बैड करेक्टर वगैरह है या फिर को भी कोई अगर मिस हैपनिंग वगैरह हो गया तो वो उनके साथ में चला गया। ये कौन सा थिंकिंग है ऊपर वाला जाने। अब क्वेश्चन में ये बोल रहे सर वो ऐसे लोगों को क्या बोला नाम से बुलाया जाता था, आप हमें बोलेंगे सर। बोलिए सर ऐसे लोगों को क्या नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन विल बी योर बी न्यूसा जुआ। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता था न्यूसा जुआ। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने ये रहा। अहोम कोरोनेशन हॉल कॉल्ड सिंगारीगर वाज कंस्ट्रक्टेड ऑफ। तो अहोम कोरोनेशन का जो सिंगारीगर जो नाम से जाना जाता था वो किस चीज़ से बनाया जाता था वो को बताना है सर। वो बनाया जाता था आपका वुड से। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है सर। देखिए ड्यूरिंग द राइन ऑफ व्हिच किंग हिंदुइज्म मार्क्ड द फास्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन द अहोम डायनेस्टी। ड्यूरिंग द राइन ऑफ व्हिच किंग हिंदुइज्म मार्क्ड द फास्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ। मतलब ये हिंदुइज्म आ गया अभी जो कौन से किंग के द्वारा अहोम डायनेस्टी में, आपको बताना है सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था हिंदुइज्म को। राइट आंसर होगा आपका सुदंगफा। बहुत अच्छा, कुछ तो अच्छा काम किया। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने ये रहा। व्हिच डायनेस्टी यूज्ड ए ड्रैगन एनग्रेव्ड थ्रोन इन असम। ड्रैगन एनग्रेव्ड थ्रोन इन असम कौन बनाए थे सर, बोलिए। ऑब्वियसली अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अहोम्स ने बनाया थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने ये रहा। हु ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वेट राइस कल्टीवेशन इन असम। हु ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वेट राइस कल्टीवेशन इन असम। राइट ऑप्शन इज योर बी मोरोंस। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेन्स परफॉर्म्ड द ट्रेडिशनल राइट्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग अहोम किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेन्स परफॉर्म्ड द ट्रेडिशनल राइट्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग द अहोम राइन। बोलिए सर कौन ये चीज़ को सेलिब्रेट मतलब ये रिचुअल्स को परफॉर्म किए थे, बोलिए सर। राइट ऑप्शन इज योर ए दियोदाई एंड बाइलुंग्स। ऑप्शन इज योर ए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहे सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है इन अहोम किंगडम द दियोदाई रेफर्स टू। दियोदाई जो चीज़ है यह किस चीज़ को के बारे में बताता है, ये आपको हमें यह क्वेश्चन नंबर 50 में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताएंगे और इससे हमें भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 50 तक आते आते कितने लोग हमारे साथ में है या फिर ऐसे ही वीडियो देख के जा रहे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है और आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, ये आप हमें ज़रूर आपके कमेंट सेक्शन में बोलिए। हमें पता है कि आपका एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आने वाला है और आप भी काफ़ी क्यूरियस है और काफ़ी मतलब आप टेंशन में है। तो मैं बस ये चीज़ बोलूँगा ये कोई वन डे प्रिपरेशन नहीं होता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये आपका प्रिपरेशन है पूरा एक फेज़ का, जो 3-4 महीने 5 महीने का एक कंप्लीट फेज़ का एक कंप्लीट प्रिपरेशन लेके आप बैठने वाले हो। तो आज ये कल का प्रिपरेशन से कुछ नहीं होने वाला, ये कंप्लीट एक प्रिपरेशन के साथ जब आप बैठेंगे
तो ऊपर वाला के मतलब आशीर्वाद से आप देखना, एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन के साथ आप बैठेंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। और बाकी आपको बिल्कुल भी पैनिक और टेंशन बिल्कुल भी नहीं होना है, और मैं आपको बार बार पहले से बोल के आ रहा हूँ, आप अपना शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका रिविजन ही आपका सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। सबसे कोई यूट्यूब वाला आपका सिलेक्शन नहीं देने वाला है सर, आपका सिलेक्शन आप खुद ले सकते हो, हम बस आपको एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन आपको खुद से लाना पड़ेगा। यू विल मेक योर डिफरेंस, और कोई आपका डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता है सर, आपको खुद कैसे करना होगा। और बार बार वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप शॉर्ट नोट बिल्कुल बनाइए, क्योंकि लास्ट आवर में आप ऐसे PDF वगैरह और वीडियो वगैरह देख के जाने वाला तो है नहीं। एक बार ऊपर में आपको जब पूरा शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे ना, पूरा एक बार पूरा नोट्स वगैरह देख लेंगे, तो पूरा देखना एग्ज़ाम में पूरा डिट्टो आपको वो चीज़ वही मिलने वाला है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर वगैरह हो, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, हम आपको सेक्शन वाइज पूरा हम आपको करा के दे दें। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि सर आपको भी पता है ये स्टैटिक सेक्शन है, घूम फिर के यही आने वाला है, उससे बाहर क्या आएगा। और हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा लें, स्टार्ट कर देंगे अगले महीने का, फर्स्ट वीक से भी कवर कराना स्टार्ट कर देंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल मत रही, बिल्कुल नहीं होना है। हम आपको जितना हो सके आपका प्रिपरेशन में हम हेल्प कर रहे हैं और करेंगे भी। तो चलिए सर, आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी आप शेयर कीजिए, ताकि ये वाला वीडियो उनको भी मिले, वो उनको भी बेनिफिटेड होने दीजिए, और आप हमें हेल्प करेंगे इस फैमिली को और आगे बढ़ाने में और बड़ा बनाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट, आपने हमें बहुत मोटिवेट किया और बहुत सपोर्ट किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, टेक केयर, बाय बाय।